गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा क्वेश्चन नंबर टू पे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर टू, एबीसी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर। बेटा ये चेंज कर लेना, असेसमेंट ईयर 21-22 है बेटा, असेसमेंट ईयर 21-22। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम। एबीसी हैड बोरोड अ सम ऑफ ₹12 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 1st July 16 and the construction of the property was completed on 28th Feb 18। चलो आपको निकालनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बनाओ बेटा मेरे साथ एक स्टेटमेंट, हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट में क्या आती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, चलो वर्किंग नोट बनाओ बेटा, वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बेटा इसमें स्टेप्स थे। पहला स्टेप था कैलकुलेट, एक्सपेक्टेड रेंट, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। बेटा एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला था म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हायर है, बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट, बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है चलो देखते हैं बेटा, आओ मेरे साथ। म्यूनिसिपल वैल्यू है 2 लाख और फेयर रेंट 252, दोनों में से जो भी हायर है, 252 हायर आ रहा है बेटा, बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब जीएवी किसी भी हालत में स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती बेटा। तो जीएवी हो जाएगी 2,40,000। फिर सेकंड था एक्चुअल रेंट निकालो, एक्चुअल रेंट, और उसमें से माइनस कर देना अनरियलाइज्ड रेंट। पढ़ो जरा एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट है 23,000 पर मंथ। तो एक्चुअल रेंट हो गया बेटा 23,000 पर मंथ इनटू, मेन बात है कितने मंथ्स का आएगा, याद करो मैंने बताया था बेटा एक्चुअल रेंट हमेशा 12 मंथ्स का ही आएगा, एक्सेप्ट अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 12 मंथ्स से कम आएगा, नहीं तो 12 मंथ्स का। और बेटा इस क्वेश्चन में ना सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो मान के चलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है तो 12 मंथ्स का आएगा, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट फिलहाल है नहीं, तो 276 ये आपका स्टेप टू। फिर स्टेप थ्री था 1 और 2, दोनों में से जो भी हायर है, तो 1 है 240, 2 है 276, दोनों में से जो भी हायर, 276 हायर आ गया। और स्टेप फोर था स्टेप थ्री माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। बेटा क्वेश्चन में पढ़ो क्या कोई वैकेंसी का केस है क्या, बेटा वैकेंसी का कोई केस नहीं है, तो 276 ही आ जाएगा, ये आपकी जीएवी हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लो बेटा कॉपी करो,
आपकी जीएवी आ गई 2,76,000। चल आ जाओ बेटे, जीएवी 2,76,000। अब माइनस करोगे आप इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस। पढ़ो जरा म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए क्या कहा है। म्यूनिसिपल टैक्सेस है 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो 2,00,000 की म्यूनिसिपल वैल्यू का 20%, 40,000 के म्यूनिसिपल टैक्सेस है। बट म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड है 50% ऑफ टैक्स लेविड, तो 40,000 का टैक्स लेविड था, उसका 50% आपने पे करा, तो 20,000 का डिडक्शन मिलेगा बेटा, पेड बेसिस पे मिलता है। तो नेट एनुअल वैल्यू 256। अब इसमें से आप दोगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, और इसमें पहली थी स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए। बेटा 30% किसका एनएवी का, तो 256 का 30% 76,800 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। और बेटा आप माइनस करोगे यहां से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसका बेटा वर्किंग नोट बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप हमारा हेडिंग लिखो मेरे साथ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये ध्यान से समझना बेटा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। चलो मेरी बात ध्यान से सुननी है बेटा सबने, देखो सबना लास्ट लाइन पढ़ो। ABC had borrowed a sum of 12,00,000 rupees at the rate of 10% per annum on 1st July 16. तो आपने लोन लिया था 1st July 16 को, और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का कंप्लीट हो गया है 28 फेब 18 को, इसको बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल मेरी बात सुनो। आपने लोन लिया था 1 जुलाई 16 को, लोन आपने लिया था, लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 16। और बेटा हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 21-22 का, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर 2021 खत्म हो रहा है 31 मार्च 21 को, ठीक है। तो आप एक काम करो, 1 जुलाई 16 से लेके 31 मार्च 21 तक का इंटरेस्ट निकालो, 1 जुलाई 16 से 31 मार्च 21 तक का इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। चलो पहले निकालो बेटा 16-17 का इंटरेस्ट, 16-17 का निकालना पहले। 12,00,000 का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और बेटा लोन 1 जुलाई 16 को लिया था बेटा, तो जुलाई से लगेगा इंटरेस्ट, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा 16-17 का, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 16-17 का, तो 12,00,000 पे 10% 9 मंथ्स का 90,000 रुपए का इंटरेस्ट तो आ गया 16-17 का। अब 17-18 का निकालो, 17-18 में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 12,00,000 उस पर 10% पूरे साल का, तो 12,00,000 पे 10% 1,20,000। हम ये मान के चल रहे हैं लोन रीपे नहीं हुआ है। फिर 18-19 का वही आ जाएगा बेटा 1,20,000, उन्नीस बीस का वही आ जाएगा 1,20,000, और 2021 का, हमें 2021 तक ही करना है,
बीस इक्कीस का आ जाएगा 1,20,000। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट जो अब तक चला गया है वो है 5,70,000। इतना इंटरेस्ट हम अब तक दे चुके हैं 570 का। ठीक है बेटा, अब सुनो बेटा, कल मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, जिसे हम करंट इंटरेस्ट भी कहते हैं बेटा। ठीक है, अब कौन सा प्री है बेटा, कौन सा पोस्ट है, उसके लिए मैंने कल क्या कहा था, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं देखना है, ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन देखना है। आओ जरा मेरे साथ, ये देखो बेटा, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 28 फेब 2018 को। बेटा मुझे डेट नहीं जाननी है कंप्लीशन की, मुझे ईयर जानना है, कौन से ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, तो 17-18 से पिछला वाला जो इंटरेस्ट है बेटा, ध्यान से सुनो, कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 17-18 में, तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर से पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, प्री। तो 17-18 से पिछला वाला कौन सा हुआ बेटा, 16-17, तो 16-17 का इंटरेस्ट प्री होगा। देखो 16-17 का इंटरेस्ट कितना है, ये रहा बेटा 16-17 का इंटरेस्ट 90,000, ये बेटा प्री हो जाएगा। तो प्री हो गया 90,000 रुपए का इंटरेस्ट प्री हो गया। ठीक है, और बाकी 4,80,000 का इंटरेस्ट पोस्ट हो गया, है ना, ये हो गया 4,80, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, 17-18 का 1,20,000, 18-19 का 1,20,000, 19-20 का 1,20,000 और 20-21 का 1,20,000। ये क्या हो गया, ये पोस्ट हो गया बेटा। चलो अब इस पे आ जाओ बेटा, प्री पे आ जाओ। कल याद करो मैंने क्या कहा था, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको सेक्शन 24B में मिलता है बेटा, बट पूरा डिडक्शन एक साथ एक साल में नहीं मिलता है, बल्कि 5 equal annual installments में मिलता है। तो 90,000 रुपए का डिडक्शन आपको 5 किश्तों में मिलेगा, मतलब हर साल कितने रुपए का डिडक्शन, 18,000 रुपए के इंटरेस्ट का डिडक्शन हर साल। अच्छा सर, ये 18,000 कौन से साल से मिलना शुरू होगा, जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वहां से 5 साल, और बेटा कंस्ट्रक्शन 17-18 में कंप्लीट हुआ था, तो 17-18 से 5 साल, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, तो हर साल आपको मिलेगा 18,000 रुपए का डिडक्शन 5 सालों में। लो बेटा समझ आया बेटा, हम ट्रीटमेंट कौन से ईयर का कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 2021 का, फाइनेंशियल ईयर 2021 का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। चलो बताओ 2021 में टोटल डिडक्शन कितना, 18,000 तो प्री का और 1,20,000 पोस्ट का, तो 18 + 1, 20 कितना हो गया बेटा, 18,000 + 1, 20, 1,38,000 का टोटल डिडक्शन होगा बेटा। तो
टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर प्रीवियस ईयर 2021 हो जाएगा रुपीज 1,38,000। सब बताओ बेटा, डिस्कशन क्लियर हुआ? कॉपी करो इसे। चलो आ जाओ बेटा। तो टोटल डिडक्शन आपको मिल गया 1,38,000 24B में। तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई बेटा 2,56,000 माइनस 76,800 माइनस 1,38,000 41,200 आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लो बेटा कॉपी कर लो इसे। मेरे ख्याल से बेटा इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट समझ आया ये वाला सबको। चलो कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन कराता हूं बेटा आपको। करें एक और क्वेश्चन, आओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। असेसी हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट वसंत कुंज इन दिल्ली। बेटा ये वाला क्वेश्चन अभी रहने दो अभी। ये मैं अभी रुक के कराऊंगा बेटा आपको, रहने दो अभी। ये पहले मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? चल मैं अभी पहले आपको ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट करा दूं बेटा, फिर मैं उस इलस्ट्रेशन 3 पे आऊंगा। आओ मेरे साथ जरा। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। बेटा एक बात याद रखना, अभी तक हमने जितना भी ट्रीटमेंट देखा है ना बेटा, वो हमने देखा है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का, मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी जो किराए पे दी गई है, ठीक है। अब हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का, मतलब उस हाउस प्रॉपर्टी का जिसमें मैं खुद रहता हूं अपनी फैमिली के साथ। तो अभी तक हमने ट्रीटमेंट लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कस किया था, अब हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का। ध्यान से मेरी बात समझनी है बेटा। बेटा इसमें ना कुछ केसेस हैं जो हमें समझने हैं, ध्यान से। पहला केस है इफ सच प्रॉपर्टी इज यूज्ड थ्रू आउट द ईयर फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पजेज, दैट इज इट इज नॉट लेट आउट और पुट टू एनी अदर यूज। आओ मेरे साथ, हेडिंग लिखना। ए पार्ट, इफ हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर एंटायर ईयर। तो पहला केस है अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए क्या है बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी में पूरे साल के लिए खुद रहा हूं अपनी फैमिली के साथ। तो बेटा इस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होगी वो हमें समझनी है। बनाओ मेरे साथ एक स्टेटमेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा सबसे पहले क्या आती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बेटा एक बात याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू बेटा निल मानी जाती है, ठीक है। यह बात ध्यान रखना, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी कॉमा ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज कंसिडर्ड एज निल। तो बेटा ये बात याद रखनी है, सेल्फ
ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की जीएवी बेटा जीरो मानी जाती है, ठीक है। चलो माइनस बेटा जीएवी में से माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। बेटा गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की जीएवी जीरो है, इसीलिए आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बेटा बेटा एक बात समझना, मैं दोबारा बोलता हूं, गवर्नमेंट ने क्या कहा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की जीएवी हमने जीरो मान ली है तो म्यूनिसिपल टैक्सेस का कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। पे ही क्यों ना कर दिया हो आपने, पेड बेसिस पे भी नहीं मिलेगा, पेड बेसिस पे भी नहीं मिलेगा बेटा। सिंस जीएवी इज जीरो देयरफॉर नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। चलो ये आ जाती है बेटा एनएवी, वो भी निल हो जाएगी। अब बताओ एनएवी में से क्या माइनस करते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 24A, ठीक है। बेटा याद करो मैंने क्या कहा था, अगर एनएवी जीरो है या नेगेटिव है तो उस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं आता है बेटा, क्योंकि बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% किस पे होता है, एनएवी पे। अब जब एनएवी ही जीरो है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, ठीक है। बस लास्ट आता है बेटा मेन हमारा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। बेटा ये मैं थोड़ा सा आपसे लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैं एक जरा थोड़ी समरी बता रहा हूं आपको। बेटा एक बात याद रखना, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, मतलब आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी है, ठीक है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24B। और एक बात याद रखना, वो डिडक्शन मिलता है आपको विदाउट एनी लिमिट। विदाउट एनी लिमिट मतलब बेटा जितने रुपए का इंटरेस्ट आपने इंकर किया है ना, जितने रुपए का इंटरेस्ट बेटा, 1,000 रुपए का, 10,000 का, 10 लाख का, 10 करोड़ का, बेटा जितने रुपए का इंटरेस्ट है पूरे का डिडक्शन मिलेगा बेटा, पूरे का, ठीक है, अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है। लेकिन बेटा अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना बेटा, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट की एक लिमिट सेट करी गई है बेटा। और वो लिमिट कितनी है, या तो आपको डिडक्शन मिलेगा 30,000 का मैक्सिमम, या आपको डिडक्शन मिलेगा 2,00,000 रुपए का मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं बेटा, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। या तो 30 या तो 2,00,000 बस। कब 30 होगा कब 2,00,000 होगा वो अभी बात की बात है, बस फिलहाल इतना याद करो, लेट आउट के केस में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, मतलब जितना इंटरेस्ट दिया है उतने का डिडक्शन। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लिमिट फिक्स करी गई है बेटा, आपको मैक्सिमम डिडक्शन या तो 30,000 मिलेगा या 2,00,000, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। कब 30 है कब 2,00,000 है वो बात की बात है बेटा। और ये आ जाएगी बच्चे आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यह आपकी आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और बेटा एक छोटी सी बात और याद रख लेना जो अभी तक आपको वैसे क्लियर हो गई होगी,
सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कभी भी बेटा पॉजिटिव नहीं आ सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, पॉजिटिव नहीं आ सकती। या तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीरो आएगी, ठीक है, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो बेटा हो ही नहीं सकती है, कैन नॉट बी पॉजिटिव, या तो जीरो होगी या नेगेटिव होगी। बेटा पॉजिटिव कहां से होगी, जीएवी नहीं है, म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं है, एनएवी नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, तो पॉजिटिव होने का तो मतलब ही नहीं है, या तो जीरो होगी या नेगेटिव होगी। ये ट्रीटमेंट करते हो बेटा आप अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मैं इसमें एक नोट डाल के लिख देता हूं इंटरेस्ट का, नोट लिखना बेटा, इफ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट देन डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड विदाउट एनी लिमिट, इज अलाउड विदाउट एनी लिमिट, बट इफ हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड देन डिडक्शन, देन मैक्सिमम डिडक्शन, देन मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B अलाउड इज ₹30,000 और ₹2,00,000 एज द केस में भी, वो मैं आपको बताऊंगा बेटा एज द केस में भी। बेटा कब 30 होगा कब 2,00,000 होगा अभी बात की बात है, बस इतना याद रखना लेट आउट के केस में बेटा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, जबकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड है बेटा 30,000 या 2,00,000, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। चलो कॉपी करो, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। क्लियर हुआ बेटा सबको, चलो आओ मेरे साथ सेकंड केस। देखो सेकंड केस बेटा, इफ सच प्रॉपर्टी कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द ओनर इज सिचुएटेड एट सम अदर प्लेस। मैं आपको समझाता हूं बेटा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आओ सेकंड केस है, इफ हाउस प्रॉपर्टी कुड not be occupied during the previous year because employment, इसमें सीधा लिख लेना बेटा, because of employment और बिजनेस एंड प्रोफेशन सिचुएटेड एट सम अदर प्लेस। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं बेटा, ध्यान से समझना बेटा। बेटा एक पर्सन था मिस्टर ए, ठीक है, उसका देहरादून में ना बेटा अपना खुद का एक घर था, उसका देहरादून में अपने खुद का बेटा एक घर था,
ठीक है, अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहता था, ये देहरादून में था बेटा घर, अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहता था, ठीक है बेटा। हुआ क्या, ये मिस्टर है ना देहरादून में किसी कंपनी में जॉब करता था, ये देहरादून में ही किसी कंपनी में बेटा जॉब करता था और अपनी फैमिली के साथ अपने मकान में रहता था। अब बेटा हुआ क्या, इस कंपनी ने ना मिस्टर ए का ट्रांसफर कर दिया बेटा देहरादून ऑफिस से दिल्ली ऑफिस में। तो इस कंपनी ने मिस्टर ए का ट्रांसफर कर दिया देहरादून ऑफिस से दिल्ली ऑफिस में, ठीक है। तो अब बेटा उसे अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट होना है, ठीक है। तो उसने क्या करा, आप ध्यान से सुनना, उसने क्या करा बेटा, उसने इस घर को किराए पे नहीं चढ़ाया, इस देहरादून वाले घर को, वो तो दिल्ली शिफ्ट हो गया, ये घर खाली हो गया, उसने इस घर को किराए पे नहीं चढ़ाया बेटा, बल्कि उसने इस घर में ना मार दिया बेटा ताला, उसने इस घर में बेटा मार दिया लॉक, ताला लगा दिया बेटा बड़ा वाला, उसने इस घर में लगा दिया ताला, मतलब उसने इस घर को बेटा लेट आउट नहीं करा है, किराए पे नहीं चढ़ाया है। क्लियर, सबको समझ आया बेटा। अब बेटा गवर्नमेंट ने क्या कहा, सुनना ध्यान से। अब बेटा ये घर जिसमें ताला लगा हुआ है बेटा, लॉजिकली स्पीकिंग ये घर ना तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है बेटा, क्योंकि आप इसमें रह नहीं रहे हो, और ना ही ये घर बेटा लेट आउट है, क्योंकि आपने इसको किराए पे भी नहीं चढ़ाया। तो अब तीसरा तो कोई होता नहीं बेटा, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या तो लेट आउट है, हमारे इनकम टैक्स में बेटा तीसरी कोई चीज नहीं है, ताला मार दिया ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है बेटा हमारे इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स में दो ही प्रोविजन है, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या तो लेट आउट। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, क्योंकि आपने इस घर को किराए पे नहीं चढ़ाया है, आपने ताला मारा है, तो हम इसे मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब इसे डीम्ड मतलब क्या, अज्यूम्ड, डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, ऑल्दो है नहीं बेटा, बट इसे मान लिया जाएगा कि यह क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्यों, क्योंकि आपने इसे किराए पे नहीं चढ़ाया, किराए पे नहीं चढ़ाया तो फिर यह क्या हो गया बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। तो गवर्नमेंट ने इसे मान लिया है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सब बताओ बेटा क्लियर। और बेटा क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया है, तो इसका ट्रीटमेंट सेम होगा बेटा, इसका ट्रीटमेंट इसके जैसा, बिल्कुल सेम बेटा, यही तो ट्रीटमेंट होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड का। चलो बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देहरादून वाले हाउस की कैसे निकालोगे बेटा, सबसे पहले जीएवी आएगी। चलो बताओ इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया गया है बेटा, इसे मान लिया गया है डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसकी जीएवी क्या हो जाएगी बेटा, निल। अच्छा जीएवी निल है तो म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा बेटा, तो एनएवी निल आ गई, माइनस एनएवी निल हो गई तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कितना हो जाएगा, निल, और माइनस
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, हाँ इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा मैक्सिमम कितना, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम कितना 30,000 और 2 लाख एज द केस में भी, तो ये आपकी आएगी इस घर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपकी इस घर की आएगी बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑल दो है नहीं, बट गवर्नमेंट ने कहा आपने किराए पे नहीं चढ़ाया ना, तो बस फिर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मान लिया जाएगा कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड और इसका ट्रीटमेंट एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा बेटा। मेरे ख्याल से बेटा केस समझ आया है, दोनों केस जो हमने अब तक करे। चलो आओ अब आता है तीसरा केस, बहुत सिंपल है तीसरा केस, वेयर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर पार्ट इज लेट आउट, बहुत सिंपल। आओ मेरे साथ थर्ड केस, थर्ड केस वेयर पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर पार्ट इज लेट आउट, वेयर पार्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर पार्ट इज लेट आउट। बेटा ये तो हम लोग मेजोरिटी लोगों के घरों में होता ही है। ये देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं, ये देखो बेटा ये तो मेजोरिटी हम लोगों के घरों में ऐसा ही होता है। ये देखो ये बेटा मेरा घर है, 2 फ्लोर हैं इस घर में, बेटा ग्राउंड फ्लोर है और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है बेटा। ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता हूं अपनी फैमिली के साथ, मतलब ग्राउंड फ्लोर तो है सेल्फ ऑक्यूपाइड और फर्स्ट फ्लोर बेटा मैंने किराए पे चढ़ा रखा है, तो फर्स्ट फ्लोर क्या है, फर्स्ट फ्लोर बेटा लेट आउट है। ठीक है तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कुछ नहीं बेटा, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पार्ट है उसका ट्रीटमेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह कर दो, जो लेट आउट वाला पार्ट है उसका ट्रीटमेंट बेटा लेट आउट की तरह कर दो, सिंपल। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पार्ट है उसका ट्रीटमेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह कर दो, जो लेट आउट वाला पार्ट है उसका ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह कर दो। बताओ कैसे, देखो कैसे, पहले लेट आउट वाले पार्ट का बताओ, जीएवी निल होगी या आएगी, आएगी बेटा, लेट आउट है, लेट आउट, लेट आउट के केस में जीएवी कैसे निकालते हो, वो 4 स्टेप्स, उन 4 स्टेप्स के थ्रू आपको निकालनी पड़ेगी। अच्छा इस ग्राउंड फ्लोर की बताओ बेटा जीएवी क्या आएगी, इसकी निल आएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है निल होगी। अच्छा माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, अच्छा क्या म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन लेट आउट वाले पार्ट के लिए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बेटा। क्या म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटे, जब जीएवी निल है तो म्यूनिसिपल टैक्सेस निल ही होंगे बेटा। ठीक है फिर ये क्या आ जाएगी, एनएवी, इसकी एनएवी तो खैर निल ही हो जाएगी। अच्छा फिर इसमें से माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% आ जाएगा बेटा, और यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% यहां पर तो क्या होगा, निल ही होगा, और माइनस इंटरेस्ट, बेटा यहां पर इंटरेस्ट का कितना डिडक्शन मिलेगा बेटा, जितना पे करा है ना जितना है उतना मिलेगा विदाउट एनी लिमिट, जबकि यहां पर इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 30,000 या मैक्सिमम 2 लाख एज द केस में भी। बस ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई दोनों केसेस में बेटा। तो लेट आउट वाले पार्ट का ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह कर दो और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट का ट्रीटमेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह कर दो। समझ आया बेटा सबको,
कॉपी कर लो इसे। तो अगर आपकी पार्ट प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पार्ट प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो जो लेट आउट वाला पार्ट है उसका ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह कर दो, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पार्ट है उसका ट्रीटमेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह कर दो। समझ आया बेटे? चलो ये हमारा कौन सा केस हो गया? थर्ड। चलो अब आते हैं बेटा फोर्थ केस पे। देखो फोर्थ केस है when such property is self occupied for part of the year and let out for other part। अब ये सुनना बेटा, ध्यान से सुनना है सबने। डी पार्ट, वेयर हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर अदर पार्ट। वेयर हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर अदर पार्ट। ये सुनना करावा है हमने, याद आएगा आपको। देखना ये, देखो बेटा ये मेरा घर है, बेटा ये मेरा घर है जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूं। बेटा ये मेरा घर है जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूं। बेटा ये घर ना 3 महीनों के लिए ये घर बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड था, मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था इस घर में। बेटा फिर मैंने क्या करा, इस घर को चढ़ा दिया किराए पे, तो बाकी 9 मंथ्स के लिए ये किस पे रहा बेटा? किराए पे रहा। तो 3 महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बाकी 9 महीनों के लिए बेटा लेट आउट है ये घर, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा इस घर का? बेटा एक बात याद रखना, ये मत कहना कि सर इसका ट्रीटमेंट 3 महीने के लिए तो होगा एज सेल्फ ऑक्यूपाइड और 9 महीने के लिए होगा एज लेट आउट, ऐसा नहीं होगा बेटा। याद रखो, याद करो ये वाला केस कौन सा है बेटा, मैंने आपको कराया था। मेरे ख्याल से अगर एग्जांपल मेरे पास है तो मैं आपको दिखा देता हूं बेटा, शायद होगा नहीं। है नहीं बेटा? अच्छा बेटा आप लोगों के पास एग्जांपल होगा, आप अपने रजिस्टर्स में चेक करना, जब मैंने एक्चुअल रेंट आपको समझाया था कि एक्चुअल रेंट बेटा क्या होता है, कितने मंथ्स का आता है, तो यही वाला एग्जांपल दिया था बेटा 3 महीने के लिए ये घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बाकी 9 मंथ्स के लिए ये लेट आउट है। तो ऐसे घर को बेटा डीम्ड, मान लिया जाता है ये क्या है, लेट आउट है, और लेट आउट की तरह इसका ट्रीटमेंट बेटा किया जाता है। ऐसे घर को मान के चला जाता है कि ये क्या है बेटा, लेट आउट है, मतलब इस घर का ट्रीटमेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह नहीं होगा, इस घर का ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह होगा, क्योंकि मान लिया गया है कि ये घर क्या है, लेट आउट। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं आपसे बस डिस्कस कर लूं, सुनो। तो आपने मान लिया कि ये घर क्या है, लेट आउट, तो ट्रीटमेंट होगा लेट आउट की तरह। तो जीएवी निकलेगी बेटा, कैसे निकालोगे? म्यूनिसिपल, पहले निकालोगे एक्सपेक्टेड रेंट, है ना, कैसे? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा ये। सेकेंड स्टेप क्या था? एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। ध्यान से सुनना, एक्चुअल रेंट हमेशा 12 मंथ्स का आता है, सिवाय एक केस के। कौन सा केस है? अगर ड्यूरिंग द ईयर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में एक्चुअल रेंट 12 मंथ से कम हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, सिर्फ एक ही चेंज आएगा बेटा इस केस में, जो एक्चुअल रेंट है ना वो बेटा 12 मंथ्स का नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि आपकी हाउस प्रॉपर्टी 3 महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो एक्चुअल रेंट आपका 9 मंथ्स का आएगा, दैट्स इट। बाकी पूरा केस बेटा बिल्कुल सेम है, मतलब माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये आ जाएगी आपकी एनएवी, माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल डिडक्शन मिलेगा आपको विदाउट एनी लिमिट, लेट आउट माना है हमने, बस ये आपका बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो आपने नोटिस किया बेटा, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी साल में कुछ महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बाकी महीनों के लिए लेट आउट है, तो उसका ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह होता है। बस एक चेंज आता है, एक्चुअल रेंट जो आप लोगे ना वो पूरे 12 मंथ्स का नहीं आएगा, वो सिर्फ इस केस में 9 मंथ्स का आएगा। बताओ बेटा समझ आया ये वाला केस सबको? कॉपी कर लो इसे। तो बेटा इस लेक्चर में हमने 4 केसेस डिस्कस करे हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मेरे ख्याल से बेटा 4 केसेस क्लियर हुए हैं, पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।